हेलो फ्रेंड्स, रूबल्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर एक ऐसी अपनी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अभी गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के टाइम में, समर सीज़न में, हमें कुछ सब्जियाँ सीज़न वाली अवेलेबल नहीं होती हैं, जैसे गाजर हुई और भी सारी सब्जियाँ हैं, पत्ता गोभी और फूल गोभी। और फूल गोभी अगर हमें बिना, जैसे कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो बिना सीज़न के होती हैं तो उनमें ज़्यादातर कीड़े होते हैं या उनका कोई टेस्ट नहीं अच्छा होता है, तो इन सब्जियों को अवॉइड करना चाहिए और ऐसे ही इनोवेटिव करते रहना चाहिए, जैसे कि आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और अक्सर कर काफ़ी लोग इसे पसंद भी करते हैं और मार्केट में भी, रेडी पर या रेस्टोरेंट में भी सोया पनीर कीमा के नाम से ये रेसिपी फेमस होती है और इसे पनीर सोया भाजी भी बोलते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो अक्सर कर मेरे घर पर अगर कोई सब्ज़ी नहीं होती है और बच्चों का पाव भाजी खाने का मन होता है तो मैं इसी तरीके से, कभी मैं आलू की भाजी के साथ या पनीर के साथ खाली इसी तरह से भाजी बनाकर दे देती हूँ, तो बच्चे भी और बड़े भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे चॉप सोया चंक्स जो मिलते हैं, ये मेरे पास क्रस वाले हैं, तो ये मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाते हैं पैकेट्स। और यहाँ पर मैंने लगभग 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है और एक मैंने बड़ा आलू लिया है। आलू इसमें ऑप्शनल है, लेकिन आलू के साथ ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनती है, क्योंकि मैंने जब इसको दोबारा बनाया आलू डालकर, इसमें मेरे पास थोड़ी सी क्वांटिटी पनीर की कम रह गई थी, तो मैंने जब इस तरीके से बनाया तो ये रेसिपी इतनी अच्छी बनी, इतनी टेस्टी बनी कि सब उंगलियां चाटते रह गए थे। तो बाकी मैंने इसमें, मेरी ट्रिक है और आपके लिए टिप्स भी है, कि मैंने इसमें मलाई यूज़ की है। और मलाई क्यों की है, तो रेसिपी बनाते बनाते मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3 टमाटर लिए हैं, बड़े वाले हैं, और यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली हैं मीडियम साइज़ की। तो चलिए देर नहीं करूँगी, बाकी सारे मसाले जाएंगे, तो धीरे धीरे आप रेसिपी को देखते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि इसमें क्या क्या मैंने इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फ्लेम को ऑन कर लेंगे। तो फ्लेम को ऑन करने के बाद मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। तो यहाँ पर पैन गर्म हो चुका है, तो इसमें 1 चम्मच के करीब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। ये मेरा घर का बना हुआ मस्टर्ड ऑयल है, प्योर है, मार्केट से मैं ऑयल नहीं लेकर आती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादातर कोई भी स्नैक्स है और बच्चे बड़ों की हेल्थ से रिलेटेड है तो मैं इसमें प्योर ही चीज़ें यूज़ करती हूँ। बच्चों का आजकल छुट्टियाँ हैं तो कोई ना कोई स्नैक्स खाने का मन होता है, तो मैं इसी मस्टर्ड ऑयल में ही उनको बना कर देती हूँ। अब यहाँ पर मेरा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो चुका है, तो गर्म होने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने हींग और जीरा लिया है, तो हींग थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है, गांठ वाली हींग है आप देख सकते हैं, और 1 टीस्पून के करीब जीरा है, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, हींग और जीरा। और यहीं पे मैं रेड चिली डाल दूँगी 2, देखिए हींग, तो यहाँ पर मेरा जीरा और हींग सॉटे हो चुका है, लाल मिर्च भी सॉटे हो चुकी है, तो अभी फिर से मैंने इसमें 2 प्याज ली है उनको ऐड कर दूंगी। इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट हम बाद में डालेंगे जब हमारी प्याज छोटे हो जाएगी, उससे पहले हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं डालेंगे। तो प्याज लगभग जब छोटे हो जाएगी उसके बाद मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूंगी। अब इसी स्टेज में हम यहाँ पे 2 रेड चिली डाल देंगे, काफ़ी तीखी हैं तो थोड़ा ध्यान देकर ही हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे। और मैंने यहाँ पे 2 लाल मिर्च भी ऐड की हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा कम मसाला, स्पाइसनेस अगर ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन जहाँ तक हो सके बच्चों को ज़्यादा तीखा खाना नहीं खिलाना चाहिए। तो मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी फैमिली में, क्योंकि हमारे घर में तो लाइट मसाला ही खाया जाता है, ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज तो मेरी भून चुकी है, इससे ज़्यादा अभी हमें सिर्फ गुलाबी कलर की हमें प्याज करनी है, ज़्यादा हमें प्याज को नहीं भूनना है। अब इसमें लगभग 1 टीस्पून के करीब इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। देखिए मेरी प्याज भी भून चुकी है और गार्लिक और जिंजर का पेस्ट भी। अब इसी सेम में हम इसमें टमाटर डाल देंगे, जो लगभग मैंने बड़े टमाटर हैं
3 टमाटर लिए हैं। टमाटर को जब तक हम पकाएंगे तब तक ये अपना तेल को रिलीज ना कर दें, यानी कि तेल नहीं छोड़ देते हैं अच्छे से। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टमाटर ने तेल भी छोड़ दिया है काफ़ी। तेल छोड़ने के बाद अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक बटर का क्यूब डाल देंगे। और बटर जब तक मेल्ट होता है इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। इन मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें आती है मलाई की बारी। मलाई मैं यहाँ पर इसलिए डालती हूँ क्योंकि मलाई से जो हमारे सोया जो चंक्स मेरे पास हैं, सोया का क्रस है, आप इसे क्या बोलते हैं, सोया की चॉप्स, तो उसमें क्या होता है क्रीमी है साथ ही एक अच्छी सी, और साथ ही साथ हमारी जो सोया है वो थोड़ी सी सॉफ्ट रहते हैं। जब आप इसकी भाजी या कीमा खाएंगे सोया का, तो आपको इसका टेस्ट और इसके अंदर जो जूसीनेस होती है उसमें भी काफ़ी हद तक आप। अब मैं यहाँ डालूँगी गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और जिसमें मैंने 4 से 5 लौंग ऐड की हुई है। लौंग का फ्लेवर इसमें अच्छा आता है, मैंने पहले से नहीं डाली थी लेकिन इस टाइम मैंने डाली है, तो लौंग का फ्लेवर इसमें अच्छा आएगा। और कहना चाहूँगी कि मैं पहले लौंग डालना भूल गई थी, बट जब मुझे गरम मसाला डालना था तभी मैं मुझे याद आया कि इसमें मैंने लौंग नहीं डाली है, क्योंकि लौंग इसमें इम्पोर्टेंट होती है। तो अब यहाँ पर मैंने इसमें डालना है सोया कीमा। सोया कीमा को हल्का सा हम भुनने देंगे, सॉटे होने देंगे। भुनने के बाद इसको अच्छे से हमें चलाना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि सोया जो हमारा है वो लगभग सॉटे हो चुका है। इसे लगभग 1 मिनट तक हमें इसी तरह से चलाना होगा। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, ताकि जो हम इसे सोया को कीमा है हमारा उसे अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि इसमें जरा सा भी पानी नहीं, अच्छे से भून चुका है। तो लगभग इसमें 1/2 कटोरी के करीब इसमें पानी जाएगा। पानी डालने के बाद अभी इसे हम इसी तरह से भूनने देंगे। उसके बाद इसमें हम एक आलू मिक्स करेंगे और नमक। नमक अभी हमें पहले नहीं डालना है, अगर हमने अभी नमक इसमें डाल दिया तो जो हमारा सोया कीमा है वो सारा ही नमक को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो कहीं नमक हमें मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो नमक अभी हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। आलू डालने के बाद ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब किचन किंग मसाला। अगर ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो देखिए ये काफ़ी हद तक मिक्स हो गया है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मेरे से तो अभी इंतज़ार ही नहीं हो रहा है इसी तरह से पाव बनाऊं या रोटी के साथ, इसे चपाती के साथ या लच्छा पराठा के साथ आप किसी के साथ भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। अब इस स्पेस में ही हम यहाँ पे आलू डाल देंगे, और जो हमारे पास ग्रेटेड पनीर था आलू को भी मैंने बॉईल करके ग्रेटेड किया हुआ था। अब यहीं पे हम इसे तेज नहीं इसमें नमक ऐड करेंगे, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाते रहेंगे। तो देख सकते हैं मेरा सोया पनीर कीमा या पनीर भाजी, सोया पनीर भाजी भी बनके रेडी हो चुकी है। लेकिन अभी इसको लगभग 5 मिनट मिक्स लगेंगे, और क्योंकि ये देखिए पानी भी छोड़ चुका है अपना, काफ़ी गीला हो चुकी है। और इसमें अभी हमें कोई पानी नहीं डालना है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा बटर, देखिए इतना। बटर के बिना ये रेसिपी अधूरी होती है, तो बटर इसमें ज़रूर डालना है। और बटर के साथ ही हम इसे लगभग धीमी धीमी आँच पर इसे पकने देंगे। और एक तरफ हम अभी पाव सेकने की तैयारी करते हैं, तो काफ़ी लोग इसे पाव से ही पसंद करते हैं, और आप चाहें तो इसे चपाती के साथ या पराठा के साथ, लच्छा पराठा के साथ, और या इसी तरह से आप इसको भी खा सकते हैं। तो मुझे तो इस तरह से ही पसंद है।
बड़ी है तो झटपट से ये फिनिश भी हो जाती है, मेरी तो अक्सर कर कम ही बच पाती है ये, क्योंकि इतना पसंद करती हैं पता भी नहीं चलती है कि कहाँ बनी थी और कहाँ ख़त्म हो गई। तो चलिए इसे पकने देते हैं लगभग 5 मिनट के लिए धीमी धीमी आँच पर। तो तब तक मैं फिर अपनी पाव की तैयारी कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा सोया पनीर कीमा यानी कि पनीर सोया भाजी तो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके लिए पाव तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सोया पनीर कीमा भाजी तैयार हो चुकी है और पाव भी देख सकते हैं कलौंजी और कसूरी मेथी के साथ मैंने यहाँ पे पाव तैयार किए हैं। और आप भाजी को देख सकते हैं कि पास से भी ये कितनी अमेजिंग लग रही है और आपके मुंह में देखकर पानी आ रहा होगा। मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं तो लुत्फ़ तो उठाने जा रही हूँ इसका, और इतनी अच्छी अमेजिंग खुशबू आ रही है कि मुझसे इंतज़ार हो ही नहीं रहा है। तो ऐसी ही रेसिपी में मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।